कभी कभी ना लगता है कि यार हम ऐसे ही बड़े हो गए हैं। जब आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ, वीडियो गेम्स, मोबाइल फोन्स, हैं, हमारे टाइम तो ऐसे ही बस गुल्ली डंडा और कंचा खेलते थे हम, और कपकेक्स। हैं, आजकल के बच्चों को इंडिविजुअल इंडिविजुअल छोटे छोटे केक्स मिलते हैं। हमको तो एक बड़े से केक का छोटा टुकड़ा मिल जाता था। सोचिए, तो एक काम करते हैं, आजकल के बच्चों यानी कि ईशान के लिए बनाते हैं बढ़िया सा कपकेक। कपकेक की रेसिपी है, बेस्ट पार्ट क्या है, अंडा वंडा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल रेसिपी है। एक तरह के बैटर से दो किस्म के कपकेक, और उन दो किस्म के कपकेक्स में से और 6 किस्म के कपकेक कैसे बनाने हैं ये देखने के लिए हो जाइए तैयार। मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। तो जी, कपकेक बनाने के लिए आपको चाहिए कप, नहीं ये चाय वाला नहीं, ये वाला कप, ठीक है। अब देखिए क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कपकेक्स बनाने में, रणवीर झंझट बहुत होता है। क्या है कि वो छोटे 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 केक बनाओ, फिर वो छोटे छोटे केक्स को डेकोरेट करो। मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, आप कपकेक बनाएंगे और रोज रोज बनाएंगे, बच्चों के साथ बनाएंगे खूब मजे से, और बच्चे जो उसको अपने टिफिन में लेके जाएंगे और साथ में अपने दोस्तों को दिखाएंगे और बोलेंगे देखो मैंने बनाया। एवरी डे टिफिन कपकेक्स। हम ना बहुत ओवर हाइप कर देते हैं चीज़ों को कि ना जाने कितनी मुश्किल चीज़ होगी, कुछ नहीं है जी देखिए। और मैंने कोशिश ये करी है कि जो क्वांटिटीज नीचे आपको दिखें वो टेबल स्पून में भी दिखें और ग्राम में भी दिखें, ताकि अगर आपको टेबल स्पून के हिसाब से चलना हो तो टेबल स्पून के हिसाब से चल सकते हैं। अगर हम टेबल स्पून की बात करें तो ये हो गया जी टेबल स्पून और ये हो गया जी टी स्पून, ठीक है, ये भी क्लियर कर दिया हमने। वरना आप कहते कि रणवीर टेबल स्पून बोल रहे हो कि टेबल स्पून बोल रहे हो। ऐसे मत देखिए, कौन है ऐसा जिसने मिल्कमेड के कैन के साथ ये नहीं किया, बताइए। एक भी इंसान नीचे कमेंट में लिख दे कि मैं शपथ खा के कहता हूं कि मैंने कभी मिल्कमेड के कैन को लिक नहीं किया, मूछे मुंडवा लूंगा मैं। लिक तो कर लिया, हाथ तो धोने हैं ना। अच्छा, अब देखिए इसमें हमने डाला है 3/4 कप मैदा, उसके अंदर हम डालेंगे 1/3 टिन मिल्कमेड। वन थर्ड कप डाल दीजिए इसके अंदर मिल्क मेड के साथ ही डाल दीजिए बटर, ठीक है, बटर है ये लगभग 3.5 से 4 टेबल स्पून। इसके साथ ही डाल दीजिए पानी, नहीं लस्सी नहीं बनानी, ये ऑप्शनल है। वनीला एसेंस अगर डालना चाहें डाल सकते हैं, वैसे वनीला एसेंस जो है वो अंडे के साथ ज़्यादा जाता है, बिकॉज अंडे में जो स्मेल होती है वनीला एसेंस को काट देता है। यहाँ पर हम मिल्क मेड डाल रहे हैं, अंडे का जो काम है वो मिल्क मेड कर रहा है, एकदम वेजिटेरियन चीज़। दूसरी चीज़, मिल्क मेड से खिंचाव लचीलापन आएगा। तीसरी चीज, मिल्कमेड से रिचनेस आएगी। चौथी चीज, आपको एक्स्ट्रा शुगर डालने की जरूरत नहीं। अब ये लेमन जूस, लेमन जूस क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपने डाला है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए लेमन जूस की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो जो बेकिंग सोडा है वो धीरे 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 एक्टिवेट होगा और उसकी वजह से भी राइज आएगा। अगर आप डबल एक्शन बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हैं, मुझे पता है वो एकदम कपड़े धोने वाले पाउडर जैसे लग रहा है डबल एक्शन, लेकिन डबल एक्शन बेकिंग पाउडर होता है जिसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों होता है। अगर आप डबल एक्शन बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको अलग से बेकिंग सोडा डालने की जरूरत नहीं है, बेकिंग पाउडर प्लस बेकिंग सोडा की क्वांटिटीज को जोड़ दें और उतना डबल एक्शन बेकिंग पाउडर डाल दें, ठीक। अगर आपका मिक्सचर जो ऐसे एकदम लस्सी जैसा हो जाए टेंशन मत लीजिएगा, वो क्या है, एक तो बटर मेल्ट हो चुका है, तो बटर जब थोड़ा भी रूम टेम्परेचर पर आएगा तो अपना मिक्सचर गाढ़ा होगा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो राइस है उसको मैदा तो होल्ड करेगा ही, साथ में मिल्क मेड की शक्कर जब पकेगी तो वो भी होल्ड करेगी। मिल्क सॉलिड्स और शुगर जो है वो भी एयर पॉकेट्स बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर मिल्क मेड का जो काम है वो एक तो रिचनेस देना है, दूसरा लीवनिंग एयर को भी होल्ड करना है मैदे के साथ मिल्क। ब्यूटीफुल हो गया जी। तो ये हो गया मिक्सचर नंबर वन, अब बनाते हैं मिक्सचर नंबर टू, चॉकलेट कपकेक। क्योंकि हमें पता है, हमारे घर में भी है एक छोटा सा जिसके लिए कपकेक अलग मेन्यू है और चॉकलेट कपकेक अलग मेन्यू है, और चॉकलेट कपकेक वाला मेन्यू जो है वो हफ्ते में 4 बार आना चाहिए, रेगुलर कपकेक वाला मेन्यू हफ्ते में 3 बार भी आए तो चलेगा। ऐसे मत देखिए, हर घर की यही कहानी भैया, 6-7 साल का बच्चा जब घर पर होता है ना यही कहानी होती है। बेस्ट पार्ट क्या है, बेस्ट पार्ट ये है कि अगर वो कपकेक आपके साथ बनाएगा ना तो एक तो आपको वक्त मिलेगा किचन में टाइम स्पेंड करने का, खासतौर मॉम्स को हमेशा ही रहता है ना यार ये अपने पापा के साथ तो बाहर खेलने चला जाता है, हमारे साथ कैसे,
उनको जरा बुलाइए किचन में, कपकेक बनाइए, एक तो उसको समझ में आएगा भाई इतनी मेहनत पड़ती है, और दूसरा अपना बनाया हुआ कपकेक और चाव से खाएगा। ये सब उनकी ट्रिक्स होती हैं, तो हमारी भी ट्रिक्स होती हैं। बच्चे मैनिपुलेट करते हैं तो पेरेंट्स भी कर सकते हैं। हाँ ओके जी, अब बनाते हैं जी चॉकलेट कपकेक। पिछली बार जितना मैदा डाला था ना हमने, उसको हमने स्प्लिट कर दिया है। लगभग 60% मैदा रखा है और 40% कोको पाउडर डाल दिया उसके अंदर। अब उसके बाद सेम स्टोरी, थोड़ा नमक, थोड़ा बेकिंग सोडा। कभी भी बेकिंग करें तो ये समझ लीजिए कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स करने और वेट इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स करने, या वेट इंग्रेडिएंट्स अलग से बाद में ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालने। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले मैदा डाला, फिर दूध डाला, फिर नमक डाला, लस्सी बनानी, ठीक है। अगर आप केक बना रहे हैं तो पहले बटर पड़ेगा क्योंकि शॉर्टनिंग होनी चाहिए, उसके बाद पानी जैसे इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे ताकि ब्रेड ना बन जाए, केक ही बने, राइट, ग्लूटेन डेवलप होता है ना। सेम वही एक तिहाई कैन, लो जी परफेक्ट एक तिहाई हो गया, देखिए फैंटास्टिक। इसके बाद लेमन जूस, वनीला एसेंस ऑप्शनल है, और पानी, ब्यूटीफुल। जैसा मैंने कहा, अगर आपको लग रहा है कि बैटर बहुत पतला हो गया है तो टेंशन मत लीजिए, आप उसको कूल जगह पे, मतलब एयर कंडीशन जगह पे छोड़ सकते हैं, फ्रिज में नहीं डालना। फ्रिज में डालेंगे तो मक्खन अलग हो जाएगा, बैटर अलग हो जाएगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। कूल जगह में रखना है ताकि थोड़ा बटर जो है वो सॉलिडिफाई हो जाए और बैटर आपको हैंडल करने में आसान हो जाए, बेक ऐसे भी हो जाएगा। अगर आपने केक बैटर नहीं खाया ना तो आपने जिंदगी में कुछ नहीं खाया। इसको दो तिहाई भरना है, ठीक है जी, 2/3, बाकी फिर वो अपने आप जब बेक होगा तो राइज आ जाएगा उसमें। ब्यूटीफुल। हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। और वैसे भी हम लोग बेकिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, हमको लगता है अरे यार बेकिंग कैसे होगी घर पे। भाई आजकल तो बहुत आसान है। इसके सिवाय आगे आपको एक माइक्रोवेव ब्राउनी की रेसिपी भी दिखने वाली है, और फिर हम उसकी आइसक्रीम भी बनाएंगे। तो बेकिंग को आपके लिए इतना आसान कर देंगे कि मतलब बच्चों का खेल हो जाएगा। मतलब बच्चों के साथ बेकिंग करेंगे ना, फिर आप मस्ती करेंगे भाई, तैयारी सारी वही है। ये गर्मी की छुट्टियों में, इतनी गर्मी में, अब बाहर फुटबॉल क्लास, टेनिस क्लास, ये सब तो पॉसिबल नहीं, घर पे कुकिंग क्लास तो पॉसिबल है। बहुत दूर की जुगत लगाई हमने। ओके जी, तो अब ये जाएगा बेक होने। 170-175 पे ओवन को प्रीहीट कर दीजिए। अब क्योंकि इसमें बटर ज़्यादा है, रिच बैटर है, तो इसलिए टेम्परेचर कम होगा। जिसमें बटर कम है उसका टेम्परेचर ज़्यादा, बटर ज़्यादा है टेम्परेचर कम। दूसरी चीज़, बटर के सिवाय इसमें जो थोड़ा बहुत फैट मिल्क मेड से आ रहा है वो भी है, इसलिए रिच डोज हैव टू बी बेक्ड एट लोअर टेम्परेचर, रिच बैटर्स हैव टू बी बेक्ड एट लोअर टेम्परेचर। सब बता दिया मैंने, मैं बेक कर लेता जाके। अब करते हैं इंतज़ार। अच्छा, अभी ये जो अपना मिल्क मेड बच गया है ना इस कैन में, इसको क्लिंग रैप लगाइए और घर में फ्रिज में डाल दीजिए, ठीक है। सबसे अच्छा जुगाड़ इसका पता है क्या है, इमेजिन करिए आप सुबह सुबह एकदम आपने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई, और अब आप दूध शक्कर उसके अंदर कुछ नहीं डालना चाहते, एक चम्मच मिल्क मेड लीजिए और वो कॉफ़ी के अंदर डालिए। लेकिन अक्सर ऐसा हो सकता है कि आप मिल्क मेड का कैन निकालें और लोग पहले ही अपनी कॉफ़ी में डाल चुके हों, आपको कैन खाली मिले। कहा था ना मैंने भैया, अपना जो है मिल्क मेड का कैन अपने फ्रिज में छुपा के रखा करिए। इतने सारे इस्तेमाल होते हैं ना फ्रिज वाले मिल्क मेड के, हर एक ने अपना अपना जुगाड़ ढूंढ रखा होता है। ईशान जो है वो चपाती के ऊपर लगा खाता है। अब इसको छोड़ दीजिए 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट कम से कम छोड़िए। कुछ भी ओवन से निकालिए, उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। टच मत करिए, खुराफात मत करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अंदर मूव करती हैं गर्मी में, ठीक है। तो आप टच करेंगे अंदर से हवा निकल जाएगी, स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, टेक्सचर खराब हो जाएगा। इसलिए ओवन से कुछ भी निकालें, 10 मिनट का टाइम दें, उसके बाद जो करना है करें। और अगर बहुत लंबा हैंडल करना है तो ओवन से निकालने के बाद या तो फ्रिज में शॉक कर दें, ओवन से निकालने के बाद कम से कम 40 मिनट का गैप दें जो हम इसको देंगे। हेलो, स्टिक क्लीन मतलब कपकेक हो गया, कपकेक केक कुछ भी हो गया, अंदर बैटर नहीं चिपकना चाहिए। 15 से 20 मिनट के बीच में हो जाना चाहिए, 15 मिनट बाद एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं हुआ हुआ तो 2-3 मिनट और दे दीजिए, हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी क्रश, मैंगो प्यूरे और कॉफी पाउडर, और मैं इन तीनों को मिल्क मेड के साथ मिक्स कर दूंगा ताकि 3 तरह की कपकेक की फिलिंग बन जाए। इजी। ये स्ट्रॉबेरी और ये कॉफी,
मतलब अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फ्रूट्स डाल लीजिए, कॉफ़ी बड़ों के लिए डाल लीजिएगा। तो आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। ये बोलिए रणवीर, हम बच्चों को कॉफ़ी कैसे दें? हम भी नहीं देते अपने बच्चों को कॉफ़ी। देखिए, अगर ऐसा स्कूपर नहीं है ना, तो ऐसे नाइफ के टिप से ये होल बना लीजिए, क्योंकि होल कितना सुंदर बना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस होल बनना चाहिए, क्योंकि ऊपर से ढक जाएगा ना। आप टेक्सचर देखिए कितने नरम बने हैं कपकेक। ये देखिए एकदम रूई की तरह। ये देखिए अभी चॉकलेट में डालते हैं स्ट्रॉबेरी, कॉफ़ी डाल देते हैं। क्या है ना कि दो काम कर रहा है ये लिक्विड। आपको लग रहा है कि हैंडल करना मुश्किल है, लेकिन एक तो ये कि जब आप बच्चों को टिफ़िन में डाल के देंगे तो कपकेक को अंदर से भी नरम रखेगा, ड्राई नहीं होने देगा। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे वो लिक्विड जो है धीरे धीरे वैसे भी केक सोक कर लेगा, तो इतना मुश्किल नहीं होगा हैंडल करना जितना आपको अभी लग रहा है। ये देखिए, यहाँ पर मैं मिल्कमेड को फेविकॉल की तरह यूज़ कर रहा हूँ वापस से चिपकाने के लिए। चॉकलेट कपकेक्स के अंदर आप कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। जो आपने पानी डाला था ना उसमें थोड़ी कॉफ़ी घोल के डाल सकते हैं। और जो वनीला कपकेक है उसके अंदर आप थोड़ा सा हल्का सा कार्डमम पाउडर डाल सकते हैं, या हल्का सा रोज़ वाटर डाल सकते हैं, तो मावा केक वाली फील आ जाएगी आपको, थोड़ा इंडियनाइज हो जाएगा कपकेक। तो वनीला हटा लीजिएगा उसके इसमें। सिंक के पास रहिए। अब जब हाथ धोने जा रहा हूँ एक बार और सही। बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया, एक डेढ़ टीस्पून पानी का लिया है, उसके अंदर एक कप शक्कर डाली है और आधा टीस्पून उसके अंदर लेमन जूस डाला है, और उसको बस थोड़ा सा पकाया है। गैस बिल्कुल स्लो रखें, शक्कर पे कलर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए तुरंत जम गया ना डालते ही। बस ऐसे उसके ऊपर शुगर गिरा सकते हैं। और फिर दूसरा जो तरीका है वो ऐसे कि उसको डिप करके ये देखिए। अभी ये कुछ नहीं है, मेल्टेड चॉकलेट ले लीजिए या चॉकलेट की कोई फीलिंग ले लीजिए, उसको ऐसे हल्का सा बिछा दीजिए और उसके बाद चम्मच से ऐसे उसको फ्लैट कर दीजिए। देखिए ध्यान से पकड़िएगा और चम्मच घुमा घुमा के उसको ये देखिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस ऐसे चम्मच लेना है और घुमा देना है। तो ये तो हो गए कपकेक्स। अब देखते हैं और क्या क्या बनता है मिल्क मेड्स। देखिए बहुत सिंपल है, यही रेसिपी लीजिए, इसमें मिल्क मेड की क्वांटिटी डबल कर दीजिए तो आपकी एक स्टीम्ड पुडिंग बन जाएगी। वो जो मिक्सचर बनेगा उसको स्टीम कर लीजिएगा, माइक्रोवेव मार लीजिएगा, या फिर अगर आप इसके अंदर मैदा डबल कर दें तो फिर आपकी एक बढ़िया सी सॉफ्ट कुकी बन जाएगी। या फिर एक काम करिए, आधा मैदा आधा आटा डालिए, थोड़ा इलायची पाउडर डालिए और आपका एक बढ़िया सा मावा केक बन जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रेसिपी वही है, बेकिंग में मिल्क मेड हो और थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो बहुत कुछ बन सकता है। अभी वो सेंटर फिलिंग वाला मामला देखिएगा। स्ट्रॉबेरी फिल्ड कपकेक्स। देखिए क्या है कि ऊपर के डिजाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को अपना डिज़ाइन बना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन चार कलर की पाइपिंग बना लीजिए, एक में विप क्रीम डाल दीजिए, एक में मेल्टेड चॉकलेट डाल दीजिए और बच्चों को जो करना है करने दीजिए। मकसद यह है कि बच्चे आपके साथ टाइम बिता रहे हैं ना, राइट। दूसरी चीज़, अगर आप उनको टिफिन में देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप विप क्रीम वाले जो कपकेक्स हैं वो नहीं देंगे, बिकॉज वो एक तो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, दूसरा क्रीम जो है वो टिफिन में लगभग जाएगी, डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो बेसिकली फोंडेंट और मेल्टेड चॉकलेट वाले जो कपकेक्स हैं ये टिफ़िन के लिए एक्सेलेंट है, और
और जो विप क्रीम वाले कपकेक्स हैं ये किचन की मस्ती के लिए एक्सीलेंट। ठीक है जी, तो नमस्कार, हम हैं रणवीर ब्रार और हमारे बेटे का नाम है ईशान ब्रार और उसको पता है कि आज बन रहे हैं कपकेक्स। तो इससे पहले कि फ़ोन आए हम चले जाते हैं। एक काम करिए, बढ़िया बढ़िया फोटो वोटो देख लीजिए, उसके बाद बनाइएगा ज़रूर। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।